हेलो एवरीवन, अपना जो टॉपिक था वो बेसिक का चल रहा था, ठीक है ना, क्रॉप्स का। इससे पहले जो जो नॉर्मली जो बेसिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए, जो बेसिक के अलावा जो अपन अकॉर्डिंग वन बाय अकॉर्डिंग जो अपने स्टडी की थी वो आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसल या फिर इसको अपन कहते हैं अनाज वाली फसलें, या फिर अब इसको अपन कहते हैं सीरियल क्रॉप्स, ठीक है ना, सीरियल क्रॉप्स। अब देखिए, इसमें टोटल जो अपने 12th की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज अपन स्टडी करेंगे। इसमें टोटल 6 क्रॉप है, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया था, गेहूं, जौ, धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। ओके, इसमें जो ये थी ये रबी की है 2, और बाकी 4 है वो किसकी है, खरीफ की। अब जो रबी में जो फसलें आती है वो सीथरी प्लांट होता है, और जो परागण होता है उनमें सऊ परागण होता है, और इसका जो पादप है वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। जस्ट अपोजिट कर दो, खरीफ में कैसा होगा C4, परागण कैसा होगा पर परागण, और जो पादप होगा इसमें जो, ठीक है ना, लॉन्ग डे प्लांट है, और ये कैसा होगा, शॉर्ट डे प्लांट। सभी रबी की फसलें कैसी होती है, सीथरी प्लांट होता है, सऊ परागण होता है, लॉन्ग डे प्लांट इसका होगा। और जो मक्का की, या इसके अलावा मैं कहना चाहूँ कि जो खरीफ की फसलें हैं वो C4 प्लांट है, पर परागण होगा इसमें और शॉर्ट डे प्लांट है। बट इसमें एक अपना जो अपवाद है वो अपवाद ये है, पैडी अपवाद इसमें, पैडी पैडी कैसा होता है, C3 होता है, सऊ परागण होता है और लॉन्ग डे प्लांट है। अब देखिएगा, रबी की जो फसलें हैं उनमें टेम्परेचर कम होता है और तापमान क्या हो, सॉरी तापमान कम होता है और वर्षा भी कम होती है, और इनमें बात करें खरीफ में तो इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वर्षा भी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले धान से, जो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा इसका क्रॉप्स में, या मैं कहना चाहूँ सीरियल क्रॉप्स में, वो फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा धान का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके इसी बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। धान को अपन कहते हैं प्यारे बच्चों पेडी, क्या कहते हैं, पेडी। देखिएगा, 12th सिलेबस, 12th के अकॉर्डिंग अपन इसको स्टडी करेंगे, तो ज़्यादा डीप में ना जाके सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन बात करते हैं। इसका बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ठीक। अब ध्यान रखना बच्चों, जो बोटनिकल नेम है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, बोटनिकल नेम के नीचे हमेशा क्या किया जाता है, अंडरलाइन। यहां पर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली सभी खाद्यान्न फसलों की सेम है, क्या है, ग्रेमिनी या पोएसी, और तीसरा नाम है प्यारे घास कुल। तीसरा नाम क्या हो गया, घास कुल, ग्रेमिनी, पोएसी या फिर घास कुल, इसकी क्या होगी, फैमिली। यहां पर अपन ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका क्या हो गया, ओरिजिन पैलेस, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका क्या हो गया, ओरिजिन पैलेस। ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन हो गई, बोटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है और ओरिजिन पैलेस क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ी अपन बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंस की, इंपोर्टेंस मतलब महत्व, जो धान है उसका महत्व क्या है। तो एक जनरली मैं आपको बात बता दूं कि जो धान है वो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाली खाद्यान्न फसल है, और जो सेकेंड नंबर पर आती है वो गेहूं आती है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में भारत है लेकिन उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चाइना है, ठीक है ना, उत्पादन में कौन सा है, चाइना। और भारत की बात करें तो पंजाब और हरियाणा, और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए इसकी इंपोर्टेंस की अपन स्टडी करते हैं, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस महत्व। तो देखो, इंपोर्टेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधी सीधी सी बात आती है कि जो खाद्यान्न फसलें इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। खाद्यान्न फसलों से क्या प्राप्त होता है हमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें हैं वो, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें मेनली क्या प्राप्त होता है कुछ फसलों से, तो स्टार्च। तो जैसे धान है तो धान में हमें स्टार्च प्राप्त होता है, जिसको अपन मांड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इसको, मांड। देखो, चावल आपने कभी बनाया है तो चावल जब अपन बनाते हैं फिर उसको साफ पानी से जब धोते हैं तो धोने के बाद जो सफ़ेद जो अपन कहते हैं ना वेस्टेज, वो बड़ा काम का होता है, और उसका नाम क्या होता है, स्टार्च या फिर माल्ट, वो ही होता है मैन, जिसको अपन क्या करते हैं पानी के साथ धो के उसको फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसी में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित होती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है ना। देखिए,
इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों वो होता है 77 से 79%। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाद्यान्न फसलों में इसी में होता है, 77 से 79% है। अब सीधी सी बात है, धान का उपयोग अपन खाने के रूप में भी करते हैं और इसका जो उपयोग है बहुत वर्षों, बहुत पुराने वर्षों या पर बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना, ये इसका इंपोर्टेंस हो गया। अब यहां पर अपन बात करें इसके जलवायु की। अब अपन जलवायु की यहां पर स्टडी करें, क्लाइमेट। तो देखिएगा जो धान की जो फसल है वो कैसी है, धान की फसल खरीफ की फसल है, धान की फसल कैसी है खरीफ की फसल है, तो क्लाइमेट कैसी हो जाएगी, उष्ण जलवायु। बस सीधा सा दिख देना, धान की जो जलवायु है वो कैसी है बच्चों, उष्ण जलवायु। देखिएगा जो जलवायु है उसमें तीन चीजें कॉमन होती है, एक तो जलवायु कैसी है, उसका तापमान कितना होगा और वार्षिक वर्षा कितनी है। बस तीन पॉइंट लिख देना, कोई टेंशन नहीं। वर्षा की बात यहां पर अपन करें तो वर्षा की यहां पर रहती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों यहां पर वर्षा की बात करें तो एवरेज लेके चलेंगे 100 सेंटीमीटर यहां पर होती है। देखिएगा टेम्परेचर की अपन स्टडी करें तो मैंने बेसिक में भी आपको बताया था कि जो रबी वाली फसलें हैं उसमें तो टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो खरीफ की फसलें हैं उसको चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन एवरेज अपन लेके चलते हैं यहाँ पर 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, इनको क्या चाहिए टेम्परेचर। तो ये क्या हो गई इसकी जलवायु। क्लाइमेट के बारे में अपने स्टडी कर ली, मृदा के बारे में अपन देखते हैं सॉइल। अब देखिएगा एक बात मैं बता दूं, कुछ फसलों को छोड़कर जैसे गन्ना और धान, इनमें तो क्या होता है अच्छे जल धारण वाली क्या होती है, जल धारण मतलब जल को धारण करने की क्षमता। बाकी सभी इसके अलावा जो मृदाएं होती है वो कैसी होती है, जल निकास वाली। लेकिन इसमें क्या आएगा, अच्छे अच्छे जल धारण वाली मृदा कौन सी होती है, चिकनी मृदा या दोमट मृदा, या कौन सी होगी, या इसको अपन दोमट भी कह देते कई बार, तो चिकनी मृदा या फिर दोमट मृदा। क्योंकि जो धान का जो खेत है उसमें हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है, ठीक है ना। अब देखिएगा सोइल हो गया, पीएच की यहां पर अपन बात करते हैं, इसका पीएच मान होता है 7 से कम, ठीक है ना। पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, क्योंकि इसकी जो मृदा है वो उसमें रेगुलर पानी भरे रहने के वजह से इसकी जो प्रकृति वो कैसी हो जाती है, अम्लीय। ओके, नो डाउट। सोइल की हमने बात के लिए, अब इसमें जो मेनली बात करते हैं वो अपन बात करेंगे खेत की तैयारी, कि खेत की जो तैयारी करते हैं वो मेनली कितने तरीकों से अपन करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में मेनली यहां पर तीन पॉइंट्स बनते हैं, सीधे खेत में बुआई करना, सीधी खेत में बुआई करना, सीधी खेत में बुआई करना। देखिएगा सीधी सी बात, अपन जो नॉर्मली जो खेती करते हैं घर पे, जैसे बाजरा की खेती करते हैं तो बाजरे में क्या करते हैं, पहले बुआई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं, सिंचाई करते हैं, पाटा लगाते हैं और फिर अपन क्या कर देते हैं, बीज की बुआई। तो वैसे नॉर्मली प्रोसेस में, तो इसमें क्या करते हैं एक्चुअली, खेत की पहले क्या करते हैं गहरी जुताई, खेत की पहले गहरी जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसमें थोड़ी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से क्या होगा कि सिंचाई करने के बाद 5 से 7 दिन बाद जो भी खरपतवार है वो उग जाएगा, उगने के बाद वापस उसमें क्या करेंगे जुताई, मतलब जो खरपतवार होगा उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ताकि जो बाद में जो अपन जो फसल लगाएंगे उसमें खरपतवार ना पनपे। इसकी वजह से पहले सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने से जो भी खरपतवार उगेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कर देंगे नॉर्मली बुआई। तो ये सीधी खेत में बुआई हो गई, ज्यादा कुछ है नहीं जो नॉर्मली अपन स्टडी करते हैं जो खेतों में, जो अपन खेत जो बाजरा हो गया गेहूं हो गया उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं इसकी खेती करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर इसमें आता है सीधी बुआई हो गई, अलग अलग विधियां आती है, कौन कौन सी वैरायटीज होती है, ठीक है। तो देखिएगा जो सीधी बुआई, इसमें ज्यादा बीज की क्या होती है हानि, ध्यान रखिएगा सीधी खेत में बुआई करते हैं तो हल्के द्वारा अपन नॉर्मली करते हैं या फिर देसी हल से भी इसमें क्या करते हैं बुआई करते हैं, और अलग अलग इसमें प्रोसेस आती है, जैसे नर्सरी पहले तैयार करते हैं, फिर नर्सरी तैयार करेंगे, और नर्सरी तैयार करने के बाद
मुख्य खेत में लगाएंगे। फिर इसमें और विधियां आती है जैसे डैपोंग विधि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। डैपोंग विधि मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई थी। इसमें आती है अलग अलग वैरायटी आती है, बीज दर आती है, फिर उसमें रोग आएंगे, कीट आएंगे, और लास्ट में आती है उपज। बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे 12th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आज हमने थोड़ा बेसिक के बारे में स्टडी की है, कल अपन इसमें देखेंगे कौन कौन से मोस्ट वैरायटी है, रोग, कीट और बीज दर और उपज, ठीक है। उसी में अपना जो ये फर्स्ट लेक्चर होगा इसका धान का, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।